अगर आप ठंडी बियर के शौकीन हैं और झारखंड के बोकारो जिले में रहते हैं तो अपने शौक का गला खुद अपने हाथों से घोट दीजिए, क्योंकि आपका शौक आपको बीमार कर सकता है और यहां तक कि आपकी जान भी ले सकता है। एक्सपायरी बियर वापस नहीं कीजिएगा, हम लोग के पेमेंट से कट जाएगा। एक्सपायरी बियर बेचिएगा लेकिन वापस करेंगे तो नहीं लीजिएगा। हमको क्या मतलब है, आप हमको जहर पिलाइएगा जी? आधा मैनेज कर सकते हैं, आधा मैनेज कीजिएगा, पूरा करिएगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा। अरे भैया, आपसे आराम से आके बात किए कि नहीं किए? आराम से बात किए कि नहीं किए? किए ना। कोई फर्ज बनता पहले देखने का है। आप बेच सकते हो, आप बेचे ना जी, आप बेचे ना, समझ गए? आप बेचे कि नहीं बेचे? समझ गए? 50 आप बर्दाश्त कीजिए, 50 हम अपना काहे हम 50 बर्दाश्त कर दीजिए, समझ गए? हम काहे 50 बर्दाश्त करेंगे, बेचिएगा आप अलग से। बोकारो जिले के कोऑपरेटिव कॉलोनी मोड़ स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में ग्राहक अपने हक के लिए लड़ रहा है और शराब दुकानदार गलत को गलत ना बोलने की हिदायत दे रहा है। दरअसल पिछले दिनों युवकों ने दुकान से शराब खरीदी, लेकिन जब बियर के केन पर डेट देखी तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि बियर एक्सपायर्ड थी। जब युवक इसकी शिकायत लेकर दुकान पहुंचे तो दुकानदार 50-50 का पाठ पढ़ाने लगा। इस मामले ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा दे दिया। लोगों के जान से खिलवाड़ करने का मामला है। जब ऐसी घटना सरकार के द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त लाइसेंसधारी दुकान में यदि हो तो मामला और भी गंभीर बन जाता है। वैसे इसे सरकार को कुछ कहना और इसे कहने से उनके कान में जू रेंगना ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है। जिस तरह से शराब माफियाओं का गिरोह और किस तरह से इन माफियाओं को इस बार लीज जिस तरह से मिला है पूरे राज्य का, वो अभी भी प्रश्न खड़ा करता है। ये बोकारो जिले का मामला है, यहाँ के कमिश्नर देखे और राज्य सरकार के मंत्री और जो अपना डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी है इस पर जांच बैठा करके इसको देखे और इस पर कार्रवाई करे। आपके कहने के मुताबिक कि एक्सपायरी बियर बेचा गया, पहले तो एक्सपायरी बियर बेचना ही चाहिए, स्पष्ट बात। दूसरी बात है, कंप्लेन हुआ है, जांच हो रहा है, कार्रवाई होगा। मिस्टेक से दिया गया था, उसके बदले हम बोतल फिर उनको कस्टमर को दिए और मैं जो पूरा काम किया हूँ वो वीडियो में दिखाया नहीं गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले बोले थे कि आधा आप मैनेज कर लीजिए भैया, आधा मेरा पेमेंट से कट जाएगा, लेकिन नहीं लोग माने तो हम बिना बियर को दिए उनको। आपको लगता है कि एक्सपायरी बियर पीने से कई लोगों का सेहत भी खराब हो सकता था, जान माल की क्षति भी हो सकती थी? हाँ, लेकिन बाई मिस्टेक हुआ है। बहरहाल झारखंड में जहरीली शराब से मौत के कई मामले हमने देखे हैं, फिर भी लोग थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। समाचार प्लस के लिए बोकारो से रिपुसुदन पाठक की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।